गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा ये वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विनीत अग्रवाल। एसोचैम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश महापात्र। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव सुरेश महापात्र नियुक्त हुए हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मुख्य न्यायाधीश जे एस मुरलीधर, लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10, राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक, चार पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा राज्य में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, 24 दिसंबर 2020 को ओडिशा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह स्टेडियम 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश जे एस मुरलीधर, लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10 है। इसके चार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2023। फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुटफॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, मुख्यालय ज्यूरिक में है, अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉप तीन पुरुष हॉकी टीम के नाम, पहले पर बेल्जियम, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर नीदरलैंड। भारत की पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही है। FIH विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। FIH इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में, मुख्यालय लुसियाने में स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, CEO थियारी बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महास के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महास के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में नीदरलैंड देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉप तीन महिला हॉकी टीम के नाम, पहले पर नीदरलैंड, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर जर्मनी। भारत महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेतन शर्मा। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को नई राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय शाह, पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम के कोच WB रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 को हुआ था और राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2,100 करोड़ रुपए। एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2,100 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थल, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटन सुविधाओं को कवर किया जाएगा। एडीबी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, अध्यक्ष मत सुगु असाकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचेम के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमंत सिन्हा। एसोचेम के नए उपाध्यक्ष सुमंत सिन्हा बने हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुमंत सिन्हा वर्तमान में रिन्यू पावर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक हैं और अब ये एसोचेम के उपाध्यक्ष बने हैं। एसोचेम के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं। दिसंबर महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है, 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाई जाती है, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है, 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को बालिका दिवस मनाया जाता है भारत में, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को इंतिफादा दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है,
12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया जाता है, 15 दिसंबर को सरदार पटेल स्मृति दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय धातु विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, 26 दिसंबर को विश्व मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है, 28 दिसंबर को केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जितना डिटेल में पता हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी के क्वेश्चन को रीड करता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।